शीत लहर का टॉर्चर, ठंड की प्रचंड मार, शिमला से ज्यादा दिल्ली में सर्दी, उत्तर भारत में कोल्ड अटैक, दिल्ली में अभी और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने जताई है ठंड की आशंका। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन कड़ाके की ठंड रहने वाली है। उत्तर भारत में अभी और ठंड की आशंका है। शीतलहर चल रही है, ऐसे में लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। टेम्परेचर लगातार। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। घटता जा रहा है और ऐसे में ठंड बढ़ती जा रही है और दिल्ली की सर्दी जो है और 3 दिन इसी तरह रहेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोहरे की चादर छाई हुई है, तो वहीं ठंड ने जिस तरह से दस्तक दे रखी है, ठंड बढ़ती जा रही है, लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। बर्फ से जमे पहाड़, ठिठुर रहे मैदान। उत्तर भारत में कोल्ड अटैक, कांपेगी, ठिठुरेगी, जम जाएगी दिल्ली। 3 दिन ठिठुरन का सतम। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक भारी बर्फबारी ने कहर बरपा रखा है। भले ही इस बर्फबारी ने सैलानियों को लुत्फ उठाने का मौका दे दिया हो, लेकिन आम जिंदगी बेहाल है। पहाड़ों पर हो रही इस भीषण बर्फबारी ने मैदानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में हाड़ कपा देने वाली शीतलहर चल रही है। आलम यह है कि उत्तर भारत के कई इलाकों का पारा 3 डिग्री तक गिर चुका है। दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि मकर संक्रांति के बाद उन्हें शीतलहर से निजात मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज से अगले 2 दिन तक दिल्ली भीषण ठंड से कांप उठेगी। दिल्ली एनसीआर का पारा पहले के मुकाबले और लुढ़क जाएगा। 18 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों के तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी। दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों का तापमान 2 डिग्री से 3 डिग्री तक रह सकता है। 16 से 18 तारीख के बीच में और ज्यादा तापमान गिर सकते हैं, यानी कि कड़ाके की सर्दी आ सकती है और दिल्ली एनसीआर में 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में कई इलाकों में तापमान रह सकता है और ये जो टेम्परेचर का फॉल है वो 18 तारीख तक रहेगा। हालांकि 19 जनवरी के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हवाओं का रुख बदलेगा और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होते ही ठंड का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। मौसम विभाग की माने तो 19 जनवरी के बाद मौसम करवट लेगा और उत्तर भारत के कई राज्यों को बारिश से भिगो देगा। बारिश के साथ साथ उत्तर भारत के कुछ इलाकों में ओले गिरने के भी आसार हैं। तो WT फिर बैक टू बैक आ रहा है, जो मतलब एक 19 से 21 आएगा और उसके बाद एक आएगा, जो सेकंड वाला हम लोग अभी डिस्कशन में लाया नहीं, बट कुछ ना कुछ उसका पीरियड में है। व्हाट आई मीन टू टेल कि ठंड अभी इम्प्रूवमेंट की ओर जाएगा आफ्टर अराउंड 18। पिछले 2 दिनों के दौरान दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों का ठंड ने बुरा हाल कर रखा है। दिल्ली के आयानगर में पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। दिल्ली के ही रिज इलाके का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के चूरू का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अमृतसर में पारा लुढ़क कर 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सबसे बुरा हाल राजस्थान का है, जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। प्रदेश के 28 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। माउंट आबू में तो ठंड ने पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां का तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया है। कड़कड़ाती ठंड का असर सबसे ज्यादा छात्रों को झेलना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आज से स्कूल खुल रहे हैं। इससे पहले 15 जनवरी तक स्कूलों में विंटर वेकेशन था, हालांकि हरियाणा में विंटर वेकेशन को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप इस तस्वीर को देखिए, जहां एक ओर बर्फबारी की चादर है और दूसरी ओर खुले मौसम में स्थानीय भाषा का म्यूजिक, जिसका सैलानी भी लुत्फ उठा रहे हैं।
और ये सब स्नोफॉल, आइस और ये मिनी स्विट्जरलैंड जो कह रहे हैं, सब बहुत बेहतरीन लग रहा है, बहुत बहुत। ये हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थल कसौली, शिमला, कुफरी, नारकंडा, धर्मशाला, डलहौजी, खजियार, रोहतांग, मनाली इत्यादि पर्यटन स्थलों पर हर दिन हजारों की संख्या में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया स्पॉट है मिनी स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही बात बोलते हैं लोग, मिनी स्विट्जरलैंड है तो है बिल्कुल। ताजा बर्फबारी के बाद प्रदेश के अधिकतर इलाकों के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद सड़कें बेहद खतरनाक हो गई हैं। खासकर रात में मौसम साफ रहने से सड़कों पर बर्फ का शीशा जम गया है। हिमाचल प्रदेश में 17 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है और फिर 18 जनवरी से दोबारा बारिश बर्फबारी के आसार हैं। बर्फबारी से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। राज्य सरकार ने सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की एडवाइजरी जारी की है। खासकर शिमला और चंबा क्षेत्रों में संभलकर गाड़ी चलानी होगी। जरा सी लापरवाही और तेज रफ्तार जोखिम में डाल सकती है। हिमाचल प्रदेश में हर साल लाखों सैलानी पर्यटन के लिए पहुंचते हैं और बर्फबारी के साथ खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ उत्तर भारत के राज्यों में ठंड अपना असर दिखा रही है, वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने मौसम को अलग ही अंदाज में खुशनुमा कर दिया है। कश्मीर के राजौरी और पुंछ में बर्फबारी शुरू होने के बाद से ही सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने परिवारों के साथ मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं शिमला, कुफरी, मनाली में भी हाल की कुछ ऐसे ही तस्वीरें दिखाई दे रही है। यहां भी कई टूरिस्ट अपने परिवारों के साथ पहुंचकर मौसम का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जन्नत का खुशनुमा नजारा, लगातार गिर रहा पारा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, प्रचंड ठंड भारी। बर्फबारी का सितम, परेशानी नहीं हो रही कम। धरती की जन्नत यानी जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें देखकर दिल में बस यही ख्याल आता है कि काश हम भी वहां होते और बर्फीली वादियों का आनंद उठा रहे होते। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।